शुरुआत से लेके अंत तक कुंभकर्ण रावण की सेना का सबसे बड़ा योद्धा था। पूरी रावण सेना एक तरफ और कुंभकर्ण की शक्तियाँ एक तरफ। पर क्या वजह थी कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया करता था और सिर्फ एक दिन के लिए उठा करता था। आज इस वीडियो में कुंभकर्ण से जुड़ी हम आपको 3 कहानियाँ सुनाएंगे। पहली कहानी, एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब असुरों ने कुंभकर्ण को अपनी ढाल बनाकर आगे कर दिया। इस युद्ध में भगवान इंद्र भी अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर लड़ने आए। ये देख कुंभकर्ण क्रोध से भर गया और कुंभकर्ण ने भगवान इंद्र को ही चुनौती दे दी। इसके बाद इंद्रदेव और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया और कुंभकर्ण को हराने की बेजोर कोशिश की। साथ ही इंद्र के साथी ऐरावत ने भी कुंभकर्ण पर जोरदार प्रहार किया। इंद्रदेव के वाहन का ऐसा दुस्साहस देख कुंभकर्ण क्रोधित हो गया और क्रोध में ऐरावत का दांत उखाड़कर उसने इंद्रदेव की ही छाती पर घोंप दिया। कुंभकर्ण ही एकमात्र ऐसा असुर था जिसमें इंद्रदेव और उसके वाहन ऐरावत से लड़ने का साहस था। दूसरी कहानी यह है कि एक बार रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई साथ बैठकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। दोनों भाइयों की तपस्या देख सभी देवता घबरा गए, क्योंकि वो तो ऐसे असुर थे जिन्हें मारना पहले ही असंभव था, और अब अगर उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान मिल जाएगा तो वो दोनों पूरे देवलोक पर राज करने लगेंगे। उन दोनों की कड़ी तपस्या देखकर भगवान ब्रह्मा खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ये देख सभी देवता कांपने लगे और उन्होंने माता सरस्वती से गुहार लगाए कि हे माता, आप कुंभकर्ण के जुबान पर विराजमान हो जाइए और उसकी इच्छा को बदल दीजिए। सभी देवताओं की विनती सुनकर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जुबान पर विराजमान हो गई, और जैसे ही उसने पूरे लोक पर इंद्र शासन का वरदान मांगा, तब इंद्र शासन की जगह वो निंद्र शासन हो गया। ये सुन रावण हैरान रह गया और देवताओं द्वारा किया गया ये छल वो तुरंत समझ गया। रावण सीधे ब्रह्मा जी से अपनी भाई से हुई इस गलती को क्षमा करने की गुहार करने लगा। तब जाकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को दूसरा वरदान दिया कि कुंभकर्ण, तुम अब से 6 महीने तक सोओगे और सिर्फ एक दिन के लिए उठ पाओगे, और इसी वजह से कुंभकर्ण 6 महीनों की नींद के बाद बस एक दिन के लिए उठ पाता है। तीसरी कहानी, कुंभकर्ण और राम के बीच हुए युद्ध की। प्रभु श्री राम से युद्ध के पहले कुंभकर्ण ये जानता था कि वो या उसका भाई रावण राम से नहीं जीत सकते। फिर भी वो अपने भाई रावण के लिए भगवान राम से भी युद्ध करने के लिए तैयार था। लेकिन युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के सामने युद्ध करने आया, तो श्री राम से निकल रहे तेज से कुंभकर्ण राम को देख ही नहीं पा रहा था। कुंभकर्ण अचंभित रह गया कि ये कैसा शत्रु है जिसके तेज से मैं उसे देख तक नहीं पा रहा। फिर भी उसने अपने भाई को दिया वचन याद किया कि भैया, आप भले ही अधर्म के रास्ते में होंगे, मेरी मृत्यु तय भी होगी, तो भी मैं अपने प्राण की चिंता छोड़कर आपके साथ खड़ा रहूंगा, भले मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। इसी वचन को याद कर कुंभकर्ण राम से युद्ध करने लगा और अंत में प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन कुंभकर्ण ने रावण को दिया वचन पूरा किया। महान असुर कुंभकर्ण के जीवन से जुड़ी ये 3 कहानियां हमें ये सीख देती है कि भले ही आप महाशक्तिशाली ही क्यों ना हो, अगर आप धर्म के विरुद्ध है तो आपका अंत होना तय है। इसके अलावा धर्म की रक्षा के लिए किया गया छल भी छल नहीं होता। और अंत में वचन निभाना और धर्म का पालन करना, या जानते हुए कि कुंभकर्ण भगवान राम से नहीं जीत सकता, फिर भी उसने राम के विरुद्ध युद्ध किया और राम के हाथों ही मारा गया।